फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने दिल्ली रोड सागर। सागर के परकोटा पर स्थित नाव मंदिर के पास एक खंडर में अज्ञात व्यक्ति के डले होने की सूचना से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, क्योंकि अब यह सिर्फ बेजान शरीर ही है। कोतवाली पुलिस के द्वारा उसे वाहन से अस्पताल PM के लिए भेजा गया है। कोतवाली थाना प्रभारी आनंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर आए, लेकिन अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। किस वजह से जान गई है यह भी स्पष्ट नहीं है। देखने से यह काफी कमजोर महसूस हो रहा है। वही ऐसा समझ में आ रहा है जैसे यह मांग कर खाता पीता हो या कोई भिखारी हो। यह कौन है, कहाँ से आया, इसके परिजन कौन है, क्या हुआ है, जाँच में लिया गया है। परकोटा पे नाव मंदिर के पास स्थानीय लोगों के द्वारा मोबाइल से थाने पर सूचना दी गई और फोन नंबर पे भी इवेंट दिया गया था कि यह एक पुराना खंडर है, उनका हुआ मकान है काफ़ी बड़ा जो वीरान सा रहता है, उसमें एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। आज उसकी तस्दीक की गई है, एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है जो वेशभूषा से पहनावे से मंगने खाने वाला है या भिखारी टाइप का समझ में आ रहा है। अब उसकी शिनाख्त नहीं हुई, उसकी शिनाख्त भी के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया मर्डर कायम किया गया है, जाँच कर लिया गया। उम्र लगभग इसकी है लगभग 40 साल की। शारीरिक रूप से काफ़ी कमजोर दिखाई दे रहा है, हालांकि शव निरीक्षण से अभी इसको चीज़ सामने नहीं आई कि इसको कोई घटना घटित होने की इसको आशंका है। शारीरिक रूप से काफ़ी कमजोर प्रतीत हो रहा है और रिक्शा व्यक्ति जैसे करने वाले व्यक्ति हो रहा है। अब निश्चित स्तर के पोस्टमार्टम के बाद ही फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी हृदय डायबिटीज थायराइड हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ न्यूरो संबंधी रोग मनोरोग विशेषज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञ आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने दिल्ली रोड सागर।